आपको सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की 3000 पदों वाली भर्ती याद होगी, जिसके लिए मार्च में फॉर्म भरे गए थे। अगर आपने फॉर्म भर दिया था तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर आप फॉर्म नहीं भर पाए थे ना और बहुत ज़्यादा मायूस हो गए थे, तो अब आप खुश हो जाइए, क्योंकि जो एप्लीकेशन का प्रोसेस है ना, उसे दोबारा स्टार्ट कर दिया गया है और आपके पास 17 जून तक का टाइम है। आप 3000 पदों के लिए अभी भी अप्लाई कर सकते हैं। बस आपको क्या करना होगा, ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा और अब आपको 17 जून से देर नहीं करनी है, क्योंकि दूसरा मौका तो मिल गया पर तीसरा मौका आपको नहीं मिलेगा। वेबसाइट है centralbankofindia.co.in। तो कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे और कैसे अप्लाई कर पाएंगे, चलिए आपको एक बार याद दिला देते हैं। अगर आप भूल भी गए होंगे तो कोई बात नहीं, आप इस वीडियो की मदद से अपना फॉर्म आसानी से भर पाएंगे। हाय एवरीबॉडी, मैं हूं नेहा आपके साथ और आज बात हो रही है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 3000 पदों पर भर्ती के बारे में। जैसा मैंने आपको शुरुआत में बता दिया था, अभी जो फॉर्म है ना, उसे दोबारा ओपन किया गया है। आप वेबसाइट पर जाकर अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर पाएंगे। तो कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे, सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ। कोई भी कैंडिडेट जिन्होंने 3 सालों का या फिर 4 सालों का ग्रेजुएशन किया हुआ है, वो सभी इस भर्ती के लिए अप्लाई कर पाएंगे। बस आपको ये मेक श्योर करना है कि जो आपकी एज है ना, वो 20 साल से 28 साल ही हो, इससे कम या फिर इससे ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन लगती है ना, या फिर कुछ नहीं समझ में आता, या फिर आपको डेट का लगता है कि यार क्या इतने तारीख में अगर जन्म हुआ है तो मैं एलिजिबल हूँ या फिर नहीं हूँ, अगर ऐसा लगता है ना, तो आप वेबसाइट पर जाकर डिटेल नोटिफिकेशन में एक बार फिर से सारी चीज़ें चेक कर लीजिए, ताकि आपके मन में कोई शंका ना हो और आप आराम से बिना किसी हसल बसल अपना फॉर्म भर पाएँ। तो आपने फॉर्म भर दिया, आप ग्रेजुएट भी हैं और आप जो एज क्राइटेरिया है उसको भी फिल करते हैं। अब बारी आती है सिलेक्शन प्रोसेस की। अगर आपको 3000 पदों पर सिलेक्ट होना है ना, तो दो काम करना होगा, एक तो रिटर्न एग्जाम देना होगा, दूसरा आपको लोकल लैंग्वेज का प्रूफ देना होगा, ठीक है। अगर आप ये दोनों काम करते हैं ना, तो आपको 3000 पदों पर भर्ती के लिए सिलेक्ट कर लिया जाएगा। मैं बार बार 3000 इसलिए बोल रही हूँ, इस पर ज़्यादा एम्फोसाइज इसलिए कर रही हूँ, क्योंकि जो नंबर ऑफ पोस्ट है ना, वो बहुत ज़्यादा है और लास्ट टाइम बहुत सारे कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर पाए थे। तो ये दूसरा मौका CBI ने आप सभी को, यानी कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने आप सभी को दिया है। सो ये वाला मौका आपको नहीं खोना है। और जब आप सिलेक्ट हो जाएंगे ना, तो भी आपको हैंडसम अमाउंट ऑफ स्टाइपेंड मिलने वाला है। हर महीने आपको 15,000 रुपीज का स्टाइपेंड मिलेगा, क्योंकि ये जो पोस्ट है ना, ये अप्रेंटिस के हैं, ये परमानेंट वैकेंसी है नहीं, इसीलिए 15,000 आपको हर महीने फिक्स जो स्टाइपेंड है वो मिलेगा। अगर आपको हम ऑनलाइन डेट की बात करें ना, तो 23 जून को एग्ज़ाम होने वाला है और एग्ज़ाम के लिए एडमिट कार्ड भी रिलीज कर दिया जाएगा। आप ऑफिशियल वेबसाइट पर ही जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे, क्योंकि फॉर्म आपका ऑनलाइन है, तो जाहिर सी बात है आपको फीस भी देनी होगी। सो कैटेगरी वाइज अगर हम फीस की बात करते हैं ना, तो जनरल कैटेगरी को 800 रुपीज देना होगा एप्लीकेशन फीस, SC ST और जो विमेन कैंडिडेट है उनको 600 रुपीज, और जो PWD वाले कैंडिडेट हैं फॉर्म भरते वक्त उनको 4,000 रुपीज जो एप्लीकेशन की फीस है वो देना होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया अप्रेंटिस वैकेंसी 2024। दोबारा से आपके लिए मौका चल कर आया है, ये मौका आपको नहीं खोना है। 17 जून आखिरी तारीख है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगली बार फिर आएंगे नई जानकारी, नई वीडियो, नई नोटिफिकेशन के साथ। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। स्टे ट्यून्ड टू NBT टेक।